अगर चलो देखते हैं कुछ चीज़ें बनाई हैं। अभी इन चीज़ों को बनाया तो देखा हमारे स्टूडेंट्स ने क्या क्या बनाया और देन उसमें क्या क्या गड़बड़ी है। जैसे देखो यहाँ पे चीज़ों को बनाया, हम लोग यहाँ पे मॉडल करते हैं गेमिंग के अंदर। बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया फंडा यहाँ पे क्या है, ये को जो राउंडनेस दे रखा है ये बढ़िया है, ठीक है, दिस इज गुड। लेकिन ये जो काम आना है ये मुझे कैसे करना है, मुझे बेकिंग पे देना है। बेकिंग का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे अगर सिंपल पार्ट मैंने यहाँ पे अगर दे रखा है बेसिक सा फंडा, तो एक बार मैं पहले बेक करके उसको मैं मैनेज करके दूँगा बेकिंग में कितना काम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसे एक बार बेक करके देखो, एक इस पिलर को सिंपल एक पिलर लो, इसे बेक करके देखो, बेक में कितना इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, क्या इतना इम्पैक्ट वो दे रहा है जितना इम्पैक्ट ये है। वैसे 0.3 जितना इम्पैक्ट आता है, अगर नहीं आ रहा तो उसको फिर दूसरे वे में काम करेंगे यहाँ पे, हाँ समझ यहाँ पे। तो ये एक पार्ट है, अगर ये बेकिंग में आ जाता तो ये देखो पिलर को थोड़ा सा पार्ट पार्ट डिवाइड कर लेना है। देखो यहाँ से जब चीज़ होगा थोड़ा सा ब्रेक करना स्टार्ट करो। जैसे यहाँ पे क्या होता है, पिलर की बनाएंगे टेक्निक होती है, अभी मैं इसके बाद एक बताऊंगा पिलर को बनाते कैसे है। ये इतना ही पार्ट होता है, ये पार्ट अलग होगा, ये पार्ट अलग होगा, उसका ये वाला पार्ट आपका अलग होता है। इसी में देखो, इसी में अगर ध्यान से देखोगे ना आप यहाँ पे, तो पिलर छोटे और बड़े, तो ये बोलो ठीक है, यहाँ पे छोटे और बड़े दोनों पे काम करना है। यहाँ पे ये इसी का जस्ट डुप्लीकेट डुप्लीकेट कर देना है। तो अगर मेरे पास ये काम अगर यहाँ पे होगा तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मुझे सिर्फ ये एक मेरा अगर ये आ गया तो मैं डुप्लीकेट डुप्लीकेट करके काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैनेज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चीज़ों को देखना है, अगर मैंने यहाँ पे काम किया तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करके दे सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो भी आप काम करो, एक पहली चीज़ नर्व से अपना काम कर लिया है, आपको यहाँ पे मॉडल बनाना है, मॉडल का अनरैप करना है। नर्व्स के अंदर एक प्लेसमेंट क्या होता है, आप इसे पॉली में कन्वर्ट करो, इसका यूवी निकला हुआ होता है, आपको अनरैपिंग करने की नीड नहीं होती, बहुत मैनेज करने की नीड होती है, तो आपका काम यहाँ पे आसानी से हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे काम करके अभी देखो यहाँ पे इसके अंदर जो दे रखा है यहाँ पे, अब इसको क्या करना है, टेक्सचर करने वाले क्या करने वाले, ये देखो ये मॉडल ये गलत है, कभी भी याद रखना, कभी भी गेमिंग के अंदर आप काम कर रहे हो आपके अंदर सिंपल क्या काम करना है, आपने क्लीनर पर चले जाना, क्लीनर पर जाओगे आपका आइडिया मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास गेमिंग के अंदर सिर्फ ट्राइज और क्वाड ही काम करता है, जिसने ऐसा मॉडल करते हैं वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर साइडेड कर लेना है या फेस विथ मोर देन ये कर लो, तो आपको बता देगा यहाँ पर, आपको अगर अरेंज करना तो ये ऑटोमेटिक अरेंज करके भी देगा, ये चलेगा, ये आपका काम करेगा, आपको लगता है आपको वैसे ही करना है, आप इसे बोल दो ये अपने आपको सेट करके देगा, तो आपका काम कर जाएगा। आपका यहाँ पे ट्राइंगल एंड क्वाड चलेगा, आपको इसके सिवाय कुछ और नहीं करना है, गॉट इट, ठीक है। तो अगर आप हम किसी भी स्टूडियो में अगर काम कर रहे हैं तो आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करना है। एक चीज़ और, जब हम लोग लो पॉली बना रहे होते हैं तो लो पॉली में कभी भी यहाँ पे डिवीजन में ये इतना बेवल नहीं देते हैं। हम लोग जो भी चीज़ को बना रहे होते हैं ना, तो वहाँ से देखो ये सेफ दिख रहा है, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे, मुझे यहाँ पे लो पॉली बनाते ये तो मेरा हाई पॉली हो जाता है। अगर आप इसे लो पॉली में अगर आप मैनेज कर रहे हो, देखो नीड है। अब यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना, देखो इसके बीच में कुछ कुछ नज़र तो आ रहा है, टेक्सचर हो सकता है, चीज़ और हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसे जूम करके देखो तो आपको आइडिया मिलेगा कि भाई इसके अंदर मैं अगर करूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ क्या नज़र आ रही है, कुछ पॉइंटेड सब शेप नज़र आ रहा है, उसमें शेप में कुछ और भी है, ठीक है। अगर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा तो आप इसके और दूसरे रेफरेंस देखो, यहाँ पे ये पार्ट यहाँ से है, देखो यहाँ पर लाइट का इंट्रैक्शन है यहाँ पे, तो ये पार्ट और यहाँ पे कुछ मैनेज है, तो ये सिर्फ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो मुझे यहाँ पर अगर मैं सिंपल सा पॉली क्यूब लिया, मैंने यहाँ पे फोकस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, आर फॉर स्केल ये कर दिया मैंने यहाँ पे, जो मैं शेप है वो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, लाइक दिस, ये शेप मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। तो वो चीज़ आपको देखने की जरूरत है, आप शेप में क्या काम कर रहे हो, तो इन शेप को पहले सही करोगे, ये शेप सही करो, इसका सीधे पार्ट आ रहा है। यहाँ पे जो ब्रिक्स वाला पार्ट है, ये ब्रिक्स वाला पार्ट अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते तो बेकिंग करो। छोटे छोटे पार्ट हैं यहाँ क्या, अभी जैसे अगर आपको देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आपको सब्सटेंस के अंदर टेक्सचरिंग बहुत अच्छी आती है, या आप यहाँ पे मेहनत करने वाले ब्रिक्स है, ब्रिक्स को फटाफट लगाया, कुछ आगे पीछे आपने अरेंज किया, इसको पे ला के बेक कर दिया, बेक करने पर एग्जैक्ट आपको ये आ जाएगा। अब देखो ये काम कोई भी बंदा ये काम नहीं करेगा, सबसे मेन चीज़ अगर इसे मैच करना है, किसी भी आर्टिस्ट के दिमाग में ये नहीं आने वाला कि भाई मैंने एक एक ब्रिक्स उठा के लगा दूं, ठीक है, और ब्रिक्स उठा के लगाऊं और फिर मैं बेक कर दूं, कोई किसी के दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि लोग इतनी दूर तक सोचते ही नहीं है। तो ये आप लोग के लिए मैं एक प्लस पॉइंट बताता हूँ, ये ब्रिक्स जैसे मान लो ब्लॉक बना दिया, किसी दूसरे पर्सन को दे दो या खुद लो, ब्रिक्स उठा के अरेंज कर दो, ब्रिक्स उठा के अरेंज किया, सब्सटेंस में जाके इसे बेक करके निकाल लो, काम खत्म। तो आपका यहाँ पे सेम एग्जैक्ट यहाँ पे जो टाइलिंग है वो मैच आएगा, अगर ये टाइल मैच आ गया तो गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। ये जितने भी ब्रिक्स वाले काम दिख रहे हैं
ये सारे काम ऐसे करो, ठीक है, तो ये आपका काम आसान हो जाएगा। और ब्रिक्स एक ही लेके लगाओगे, मैनेज करके लगाओगे तो बढ़िया निकल के आएगा, ठीक है। ब्रिक्स के अंदर ध्यान रखना, ब्रिक्स के अंदर अगर आप यहाँ पर लगा भी रहे हो तो ब्रिक्स के अंदर आपको यहाँ पे क्या काम करना है, ब्रिक्स के अंदर तो आप पॉलीगन देना क्या, जैसे आप देखो यहाँ पे आर फॉर स्केल, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, आर फॉर स्केल ये मैं मैनेज कर रहा हूँ, इसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे ब्रिक्स अगर ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एजिस पे गए मैंने कर दिया बेवल सेगमेंट्स फ्रिक्शन, यहाँ पे ये आपका ब्रिक्स ऐसा होना चाहिए, कंट्रोल डी कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है, देन इसको कंट्रोल डी एंड यहाँ पे मैनेज कर दो आपने यहाँ पर स्विफ्ट डी आ रहा है। आपको टाइम नहीं लगना इसमें, लेकिन अगर आपने ये मैच कर दिया, इसको अगर मैच कर दिया तो एग्जैक्ट आ जाएगा, 100 में से 80% 90% भी अगर आपने अचीव कर लिया तो भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। इन चीज़ों को मैनेज कर दो, ये काम आपका आसानी से हो जाएगा। ये दो चीज़ बाहर लगे हुए, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्विफ्ट डी स्विफ्ट डी स्विफ्ट डी, सपोज मेरे पास ये पार्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है, मैंने इसको अरेंज कर दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ गया, टॉप पे गया, इसको मैंने उठा के यहाँ पर अरेंज कर दिया, ठीक है। फोकस देख रहे आपके पास यहाँ पे ये पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स को आप यहाँ पे लेके चलना, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास पार्ट के यहाँ पे देखो, मैं फिलहाल में ये पैटर्न मैंने यहाँ पे लिया, कंट्रोल डी कर दिया, इसको यहाँ पे रखा और इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे काम करो तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा देखना ही, थोड़ा सा बाहर, जैसे अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करने वाला हूँ, यहाँ पे ये दिया अल्टरनेटिव, यहाँ पे कुछ शेप्स में यहाँ पे ले रहा हूँ, जिसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे करके मैंने मैनेज कर दिया। जैसे ये तो मेरे पास यहाँ पे दिख नहीं रहा, देखो यहाँ पे ये जस्ट यहाँ पे इसको मैंने मैनेज कर दिया और ये मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, आगे पीछे का पार्ट हल्का सा बाहर कर दो यहाँ पे, तो आपका जो बेकिंग में हो ना, बेकिंग में डेप्थ आपका इतना निकल के दे देगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पैटर्न दिया आपने, यहाँ पे ये आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर दोगे तो आपका यहाँ पे फोकस कर दो, तो ये आपका पार्ट आपके यहाँ पे देखे, देखो दिख रहा है यहाँ पे ये डेप्थ आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको ये डेप्थ आपको देखना है, इसमें देखो कुछ कुछ पार्ट आपको बाहर अंदर की तरफ भी देखेंगे, इसके अंदर वाले पैटर्न को आप अलग छोटे छोटे पार्ट में देखो, ब्रिक्स का साइज वही है, छोटे छोटे पार्ट में अरेंज कर दोगे तो कुछ बड़े कुछ छोटे में आपको दिखेगा यहाँ पे, दिख रहा है ये साइज, इसमें देखो ये छोटे छोटे साइज नजर आ रहे हैं यहाँ पे, बाहर वाले साइज तो उसे बड़े हैं, तो आप इनको जैसे एज इट इज आपने यहाँ पे काम किया, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट साइड में गए, ठीक है, यहाँ पे आपने सेट कर दिया ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है, डी सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर दिया यहाँ पे, आर फॉर स्केल फ्रंट, देखो यहाँ पे ठीक है, अभी जो मैंने आर फॉर स्केल कर रहा हूँ, कंट्रोल जी कर दो, ये देखो, देन आप इस पैटर्न को अगर आप ऐसे यूज करने वाले हो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस पैटर्न को हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया और मुझे यहाँ पे तो चीज़ों को ऐसे बैलेंस कर देना, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को कुछ इस टाइप से मैं दूंगा जो मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या प्लेसमेंट मुझे देना है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ग्रुप में तो नहीं है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ऊपर कर दिया यहाँ पे, बात समझो। अब यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट साइड में गया यहाँ पे और मैंने इस पर थोड़ा सा बारीकी से काम किया, राइट साइड में देख रहे हैं यहाँ पे पूरा पार्ट सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे डी सेलेक्ट कर दिया, प्रोस्पेक्टिव ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसकी प्लेसमेंट आप यहाँ से कंट्रोल डी करके यहाँ से प्लेसमेंट दो, ताकि चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस लगे यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि मुझे थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए कि हम चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। आपका काम हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे पैटर्न्स दे रखे हैं यहाँ पर, बस इसको आपको समझ लेना है तब जाके आपको चीज़ें मैनेज होनी है। तो अगर आप इन छोटे छोटे पार्ट को अगर आप काम कर रहे हो तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, ये सेम चीज़ आपको लेके मैनेज करके दे देना है कि भाई मैंने यहाँ पे जो काम कर दिया यहाँ पे देखो, उस काम यहाँ पे दिख रहा है, ये काम मैंने यहाँ पे दिया, ओके, यहाँ से चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, कट, यहाँ से आपको सिर्फ नजर आएगा यहाँ पे। अब देखो ये पार्ट तो मैंने ऊपर के लिए बनाया, लेकिन मैंने इसके लिए भी मैंने अरेंज कर दिया यहाँ पे, तो अगर ये पैटर्न दिख रहा है तो आपके पास अगर बेकिंग में आ जाता है तो आपका काम इससे बढ़िया नहीं होगा, मैच हो जाएगा, चीज़ों को अरेंज कर सकते हो। और दूसरा अगर देखो यहाँ पे, अगर आपको मैं दिखाऊँ सिंपल सा पार्ट असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे ब्लेन, यहाँ देखो तो आपको अप एंड डाउन दिखेंगे यहाँ पे, आप चाहो तो इसमें कुछ इरेगुलर शेप्स को आप इधर कुछ यहाँ पर अपने चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये मेहनत कर दोगे, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नहीं देखो देखो यहाँ पे ये इंट्रैक्शन आपको देखेगा, लाइन से बेक कर दो, काम खत्म हो जाएगा आपके यहाँ पर।